नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है बिल्कुल एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज का अपना ये वीडियो जुड़ा हुआ है प्राइमरी टीचर के रिक्रूटमेंट से। दोस्तों, अभी इलेक्शन का समय है और आचार संहिता लगी हुई है, ये तो आपको पता ही होगा। पर आचार संहिता हटते ही प्राइमरी शिक्षकों की एक बड़ी भर्ती आएगी। और कहाँ ये भर्ती आने वाली है, बिल्कुल विस्तार से इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जो निकलती हैं शिक्षकों की, उनसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये देखिए दोस्तों, इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है निकल के, सबसे पहले मैं यही बताता हूँ आपको। ये अमर उजाला न्यूज़पेपर है, देहरादून का एडिशन है, शुक्रवार 15 मार्च 2019 का। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ देखिए ये न्यूज है। तो ये देखिए दोस्तों न्यूज, सहायक अध्यापक पद पर तैनात शिक्षा मित्रों पर लटकी तलवार, 31 मार्च तक शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं करने पर हटाए जाएंगे। क्यों हटाए क्यों जाएंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदों पर तैनात शिक्षा मित्रों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। 31 मार्च तक सहायक अध्यापक पद के लिए शैक्षिक अर्हता पूरी न करने पर उनको हटाया जाएगा। इन पदों को खाली मानकर विभाग विज्ञप्ति भी जारी कर देगा। शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, आदेश भी जारी हो गए हैं और विज्ञप्ति भी आ जाएगी बड़ा ही जल्द। 31 मार्च तक का समय दिया गया था। जो भी कैंडिडेट अपनी अर्हता पूरी नहीं कर पाए हैं, उन सभी को हटा दिया जाएगा। ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार 31 मार्च 2015 तक नियुक्त अध्यापकों और शिक्षा मित्रों को शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता पूर्ण करने के लिए 4 वर्ष का समय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी 25 जुलाई 2017 को दिए गए आदेश में प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्रों और शिक्षकों को योग्यता पूरी करने के लिए 31 मार्च 2019 तक का समय दिया था। राज्य के शिक्षा निदेशक आर के कुंवर ने सभी सीईओ को शिक्षा मित्रों के संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात शिक्षा मित्र 31 मार्च तक शैक्षणिक अर्हता पूरी नहीं करते हैं तो उनका पद रिक्त समझा जाए, इस पद को रिक्त पद मानते हुए विज्ञप्ति जारी की जाए। निदेशक ने यह भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश जारी करते हैं तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, बड़ी ही अच्छी न्यूज आई है निकल के। तो ठीक है दोस्तों, यही एक इन्फॉर्मेशन, एक न्यूज आप तक पहुंचानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। बाकी किसी प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं, उन सब के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।